myself Suresh Kumar, lecturer civil engineering, JPC Alwar. आज मैं आपको 106 कोड अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका यूनिट 9 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेक्टिलिनियर मोशन किया, जो चैप्टर 8 था, और आज चैप्टर 9 है। इस जैसे इसका हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का इफेक्ट लेते हुए अगर हम किसी भी पिंड को या तो नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे आता है, तो उस तरह की तीन चार इक्वेशन बनती है, वेलोसिटी की, हाइट या डिस्टेंस की और टाइम की। तो इनको यूज कर आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलिंग डाउनवर्ड, तो उसके अंदर पहली इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी और ये टाइम। अगर मैं हाइट की बात करूं तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू जी एच, अगर वेलोसिटी और हाइट की बात करूं तो, और इसके अंदर टाइम भी। और इनके अलावा अगर एन सेकंड का भी प्रश्न आपके पास आया हो तो उसके अंदर है एनवी सेकंड में चली दूरी यू प्लस हाफ जी ब्रेकेट टू एन माइनस वन, तो वो आपको देगा एनवी सेकंड का। तो आप इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। इसी के अंदर अगर अपन देखें कि जब पिंड रेस्ट से गिरे, यानी उसका इनिशियल वेग जीरो हो, यानी यू बराबर जीरो, तो ये सारी इक्वेशन इनके अंदर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो पहली बन जाएगी वी बराबर जी टी, यू इनिशियल वेग जीरो है। हाइट वाली इक्वेशन बढ़ जाएगी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, और ये इक्वेशन बढ़ जाएगी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच, या वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच। और एनवे सेकेंड में चली दूरी वाली इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ जी ब्रेकेट टू एन माइनस। तो इस तरह से ये आपने देखा, जब हम डाउनवर्ड ग्रेविटी का इफेक्ट ले रहे हैं, इसके अपोजिट अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर वर्टिकली अपवर्ड, अगर नीचे से ऊपर वर्टिकली अगर कोई पत्थर को थ्रोन करते हैं या किसी भी पिंड को करते हैं, तो उसके अंदर जो जी, ये इक्वेशन है, इनमें जो जी का मान था वो प्लस लिया था, इनमें माइनस लेंगे, और जी का मान अगर नहीं दिया हो तो आपको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, या तो गिवन होगा, और कई बार इसमें 9.81 भी होता है, लेकिन सामान्य तौर पर आपको 9.8 याद रखना है। अगर अपवर्ड की बात करें, अगेंस्ट दी ग्रेविटी की बात करें, तो v बराबर यू माइनस जी टी, जी माइनस हो जाएगी। हाइट वाली इक्वेशन देखें h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और ये अगली इक्वेशन देखें v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच, और एनवी सेकेंड की u माइनस हाफ जी ब्रेकेट टू एन माइनस वन। इसी तरह से अगर इसका आगे का देखें हम, हाईएस्ट हाइट अटेंड होने के बाद फाइनल वेग जीरो, तो फाइनल वेग अगर जीरो है तो इस इक्वेशन में अगर अपन देखेंगे फाइनल वेग जीरो का, तो यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच इज इक्वल टू जीरो, और एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन टू जी। तो ऐसा कर हाईएस्ट हाइट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर टाइम फॉर हाईएस्ट हाइट की, हाईएस्ट हाइट तक जाने में समय कितना लगा, तो भी हम इस इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेग जीरो है, तो यू
इज इक्वल टू यू बराबर जी टी और टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो ये निकाल सकते हैं जी का मान, ये आपको पहले बताया मैंने 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अगर दिया हुआ नहीं तो। तो इस तरह से ये ग्रेविटी की इफेक्ट लेकर आपको डाउनवर्ड है तो जी का मान प्लस है और अगर अगेंस्ट ग्रेविटी करनी है अपवर्ड करना है तो आपको माइनस जी लेना है। अब इनसे आसानी से आप टाइम निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। बस आपको सिर्फ इन इक्वेशन को देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर किसी कुएं के अंदर एक पत्थर डाला गया, इतने समय बाद उसकी साउंड आती है, इसका आप टाइम निकालिए, वेग निकालिए, या यहाँ से हाइट किसी पत्थर को फेंका आपने और मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के बाद वो नीचे आता है तो टाइम आप निकालिए या हाइट निकालिए। तो इन इक्वेशन से बहुत आसानी से आप ये चाहिए हाइट निकालना हो, टाइम निकालना हो या वेलोसिटी निकालनी हो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी इक्वेशन का यूज कर कर और आप इनमें आसानी से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।